अंकुश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या जो जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी वो सब शांत हो गया है? अब एक तरफा हो चुका है सब कुछ कि अब एकनाथ शिंदे सरकार का ही राज रहेगा? नहीं हुआ है, ना ही बयानबाजी का जो दौर है वो थमा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सबसे पहले उद्धव गुट के नेता ने ही सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सम्मान करते हैं, भले ही अयोग्यता का जो मामला हो वो स्पीकर के पास छोड़ दिया के पास दे दिया है, लेकिन जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ है वो पूरी तरीके से अयोग्य है, गैरकानूनी है। चाहे राज्यपाल की बात करें, चाहे फिर व्हिप का मामला बात करें, या फिर स्पीकर ने जिस तरीके से मान्यता दी थी शिंदे गुट को शिवसेना के तौर पर विधानसभा में चुनाव आयोग के फैसले के बाद, वो पूरी तरीके से गलत है। और इसी मुद्दे को लेकर जो पार्टी के जो नेता है और जो खुद उद्धव ठाकरे को हमने सुना वो काफी जोश में, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनको मुद्दा मिल गया है, क्योंकि है। आने वाले अगले साल ना सिर्फ लोकसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, और ऐसे में ये मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है। बाद में बात करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दो फैसले आए महाराष्ट्र को लेकर और दिल्ली को लेकर। जहां दिल्ली सरकार की जीत हुई है, उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की जीत हुई है। उद्धव गुट को ये झटका है क्योंकि उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उस उम्मीद के मुताबिक फैसला नहीं आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देके बहुत जल्दबाजी की है, अब इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।